दोस्तों, मैं केरला में आज यहाँ पे आए सभी विजेताओं का मैं अरुण मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी अचीवर हैं। यहाँ पे कोई ऐसे नहीं आया, सब अचीव करके आए हैं। मतलब हम लोग सक्सेस की पायदान पे तो अपना कदम आगे बढ़ा ही दिया है। दोस्तों, जिस तरह से आप सभी लोगों ने यलप में शुरुआत किया है, आज से 8 साल पहले मैंने भी यलप का आपके जैसे भी ही मैंने भी शुरुआत किया था। इस बिजनेस में आने के पहले दोस्तों, मैं एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, ऑटो चलाता था मुंबई में, कांदिवली में रहता था। और रिक्शा वालों की हालत कैसी रहती, शायद आप लोगों को पता भी होगा कि 200-300 रुपए कमाने के लिए, 400 रुपए कमाने के लिए, 500 रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, मैं यलप में जुड़ा, काम करते गया, नेटवर्किंग का एन भी नहीं मालूम था, यलप का ई भी नहीं मालूम था कि यलप क्या होती है, नेटवर्किंग क्या होती है। लेकिन मुझे एक ही चीज मालूम था, काम करने से पैसा आता है। बस मैं काम करते गया। दोस्तों, जो व्यक्ति खुद 100-200-300 रुपए के लिए मोहताज था, आज मेरे टीम में करोड़पति बन गए लोग करोड़पति बन गए। मैंने करोड़ों रुपए कमाया, मैंने भी अपने सपनों को अचीव किया। लेकिन दोस्तों, इसका एक ही कारण था, कंपनी पे विश्वास, अपने आप पे विश्वास। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, मुझे फोन करते हैं, मेरे दोस्त लोग जो आज के 8 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग मेरे साथ करते थे, यलप में मेरे साथ जुड़े थे, तो मुझे फोन करके बोलते हैं, अरुण क्या कर रहा है अभी? मैं बोलता हूं यलप कर रहा हूं। तो उनको शौक लग जाता है, बोले अभी भी यलप ही कर रहे हैं? मैं बोला हाँ, अभी भी यलप ही कर रहा हूं। कुछ ऐसे लोग मिले मुझे आज के 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, मुझे बोलते थे कि एक मलेशिया की कंपनी आई है, एक दुबई की कंपनी आई है, एक ए प्रोडक्ट आया है, एक ओ प्रोडक्ट आया है, ओ प्रोडक्ट अच्छा है, ए प्रोडक्ट अच्छा है। मैं बोलता था अच्छा। 2 साल बाद फिर मिले तो फिर मुझे उनको वैसे एक डायलॉग, ए प्रोडक्ट अच्छा है, ओ प्रोडक्ट अच्छा है, ओ प्रोडक्ट अच्छा है। मैं बोला अच्छा। और 8 साल बाद भी मिले तो वैसे ही घूमते रहे, बड़े बड़े स्पीकर, बड़े बड़े टीम काम, जिनके बोलने पे स्टेज ऐसे फट जाए, लेकिन अचीवमेंट नहीं। क्योंकि दोस्तों, एक जगह उन्होंने फोकस बना के काम नहीं किया। मेरे गुरु दुबे साहब ने एक ही चीज बताया था, क्या अरुण एक ही जगह गड्ढा खोदोगे, तुम्हें पता चल गया ना इधर पानी है, एक ही जगह बोरिंग करते रहो, पानी निकलेगा, पी लेंगे, थोड़ा गड्ढा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर खोदते रहेगा तो पानी तो पीने को मिलेगा नहीं, जिंदगी भी चली जाएगी। दोस्तों, मैंने उस चीज को फॉलो किया। बहुत सारे लोग कंपनी देख के फिसल जाते हैं। दोस्तों, मैंने जब ये लोग की शुरुआत किया था तो ये लोग 10x20 का एक भाड़े के ऑफिस से शुरुआत की थी, 10x20 के भाड़े के ऑफिस से ये लोग ने शुरुआत किया था। तो मैंने क्या देख के ये लोग को शुरुआत किया, मैंने दुबे साहब को देख के शुरुआत किया। इनकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखी, इनकी बातों में मुझे सच्चाई दिखी। दोस्तों, 8 साल हो गया, 8 साल में एक भी ऐसा वीक नहीं है जब हम लोगों का प्रोडक्ट लेट हुआ हो। यस, 8 साल में एक भी ऐसा वीक नहीं है जब हमारा कमीशन हमारे अकाउंट में ट्रांसफर ना आया हो या हमारा चेक ना बना हो। बहुत सारे लोग मुझे मिलते गए, ये कंपनी वो कंपनी, मैं रुका रहा। कई लोग बोलते थे ये प्रोडक्ट अच्छा है, वो प्रोडक्ट अच्छा है। मैंने उनको बोला था अच्छा है, फिर मैंने कंपनी बदलने का डिसीजन नहीं लिया। मैंने सोचा कि अगर ये प्रोडक्ट अच्छा है तो हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में कहीं भी रहेगा तो यलप के पास भी आएगा। मैं उनकी बात सुनकर मेरे कंपनी ने बदला, मैंने अपने इरादे को मजबूत रखा। 2 प्रोडक्ट से शुरुआत हुआ था यलप का, 2 प्रोडक्ट से, आज सैकड़ों प्रोडक्ट है यलप के पास। मैंने वो बोला ये फॉरेन की कंपनी है, यहां की कंपनी है, वहां की कंपनी है। मैं बोलते रहा अच्छा, लेकिन हमारे दुबे साहब 6 महीने के अंदर इंडियन कंपनी को इंटरनेशनल कंपनी बनाए।
यार तुम फॉरेन की कंपनी में काम करते हो, इंडिया का डॉलर फॉरेन में जाता है, और मैं ऐसी इंडियन कंपनी में काम करता हूं जो फॉरेन का डॉलर इंडिया में लेके आता है। लेकिन बोलने का पावर तब आता है जब हम खुद करें। दोस्तों मेरे 8 साल के करियर में कालर पे दाग नहीं है, एक भी व्यक्ति की औकात नहीं है कि मुझे दूसरा प्राण सुना दे। जब आएगा तो यहाँ छप्पे बनने के लिए आएगा और डूबे बन के जाएगा। बन के क्या? हमारे गुरु बोलते हैं कि चौबे गए थे छप्पे बनने, डूबे बन के चले आए, मतलब दो बढ़ने गए थे दो। एक और कर सकता है जिस पर कंपनी पे विश्वास हो, जिस पर अपने आप पे विश्वास हो, वही ये कर सकता है और वही एक दिन सक्सेस बनकर यहाँ आएगा। लेकिन जिसके दिमाग को किसी हालत में एक व्यक्ति का पोजीशन आता है, बड़ी मेहनत करने के बाद एक महीना, दो महीना, छह महीना, एक साल, दो साल, अब रैंक अचीव करते हैं, सिल्वर पर इंस्टीट्यूट बनते हैं, सिल्वर बनते हैं, पर्ल बनते हैं, रूबी बनते हैं, और मार्केट का एक सारा हुआ आदमी आता है, उसके दिमाग को घुमा देता है, तो क्या लगता है लीडर बनने के काबिल है? है क्या? एक अदना सा आदमी मेरे विचार को बदल दिया, मेरे शब्दों को हिला दिया, मेरे औकात हिला दिया। आपको क्या लगता है व्यक्ति अचीवर बन सकता है? अरे मैं बोलता हूँ मुझे पता को सिर्फ नहीं पता है, डिसीजन होता दोस्तों। अरे डिसीजन ले लो, जिंदगी में जो भी सोचे होंगे वो सब कुछ पूरा होगा। मेरी आप सभी लोगों को शुभकामना है। जय यलम।